मानस का हंस एक जीवनी पलक एवं ऐतिहासिक उपन्यास है, इसका अध्ययन करेंगे। ये जो प्रश्न है ये हमारे नए पाठ्यक्रम के अनुसार विश्वविद्यालय परीक्षा की दृष्टि से अत्यंत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि मानस का हंस एक जीवनी पलक उपन्यास है अथवा एक ऐतिहासिक उपन्यास है। आज की कक्षा में हम यही जानेंगे कि मानस का हंस एक जीवनी पलक एवं ऐतिहासिक उपन्यास किस प्रकार है। सबसे पहले मानस का हंस एक जीवनी पलक उपन्यास। मानस का हंस उपन्यास अमृतलाल नागर द्वारा 1972 में लिखा गया था। अमृतलाल नागर द्वारा 1972 में लिखा गया था। जब हम लोग कथा वस्तु पढ़ रहे थे उसमें हम लोग जान गए थे कि मानस का हंस उपन्यास का जो विषय है वह विषय तुलसीदास जी, अर्थात पूरा उपन्यास तुलसीदास के जीवन से ही संबंधित है और तुलसीदास के जीवन पर ही आधारित है। अब यहाँ पे दो प्रश्न आता है कि इसको जीवनी पलक उपन्यास माना जाए कि इसको ऐतिहासिक उपन्यास माना जाए। सबसे पहले जीवनी पलक उपन्यास किस प्रकार से है यह जानते हैं। नागर जी ने इस उपन्यास में, मानस का हंस उपन्यास में, तुलसीदास के एक सहज मानव का चित्रण किए हैं। तुलसीदास के एक साधारण मानव जीवन को उजागर किए हैं, ऐसा साधारण जीवन जिससे अधिकांश लोग अनभिज्ञ हैं। तुलसीदास एक प्रकांड विद्वान है, एक महान साहित्यकार है, इसी रूप को अधिकांश लोग जानते हैं। इसके अतिरिक्त तुलसीदास का प्रारंभिक जीवन किस प्रकार का था इससे अधिकांश लोग अनभिज्ञ हैं और उन्हीं लोगों को तुलसीदास के संपूर्ण जीवन का दर्शन कराने के लिए मानस का हंस उपन्यास नागर जी सृजित करते हैं। अब यह जीवनी पलक उपन्यास तुलसीदास का संपूर्ण जीवन गाथा इस उपन्यास में समाहित है, इस दृष्टि से यह जीवनी पलक उपन्यास कहा जा सकता है। यानी कि पूरा जीवन तुलसीदास का इस उपन्यास में देखने को मिलता है। अब उनके पूरे जीवन को हम दो भागों में बांट रहे हैं, तुलसी का संघर्षमय जीवन चित्रण और तुलसी का लोकधर्म। इसमें हम जन्मादि चेतना भी जोड़ सकते हैं, तुलसी का जन्मादि चेतना। अब तुलसीदास का संघर्षमय जीवन चित्रण, नागर जी तुलसीदास जी को एक सहज मानव के रूप में चित्रित करते हैं मानस का हंस उपन्यास में। एक ऐसा साधारण मानव जो जीवन की हर कठिनाइयों का सामना करता है, जो एक रोटी के प्रबंध के लिए भी दर दर भटकता हुआ दिखाई देता है। अति साधारण अति सहज मानव का चित्रण इसमें दिखाई देता है। संघर्षमय जीवन, अर्थात तुलसीदास को कितने संघर्षों का सामना करना पड़ा, इन सारी स्थितियों से अवगत कराते हैं नागर जी। तुलसीदास जी का जब जन्म होता है वह जन्म एक अशुभ नक्षत्र में, मूल नक्षत्र में हुआ रहता है और मूल नक्षत्र में जन्म होने के कारण इनके पिता आत्माराम जो कि एक पंडित रहते हैं, आत्माराम इस नक्षत्र के अशुभ परिणामों से परिचित रहते हैं और जन्म होते ही तुलसीदास को घर से बाहर निकाल देते हैं और तत्कालीन तुलसीदास की मां भी दिवंगत हो जाती है। अब तुलसीदास का पालन पोषण पार्वती नाम की एक दासी करती है। वह दासी भी एक दिन तुलसीदास को छोड़ के चली जाती है। अब तुलसीदास बिल्कुल अकेले पड़ जाते हैं और अकेले पड़ने पर जो कठिनाइयों का सामना उन्हें करना पड़ता है, उनका एक दमनीय चित्रण, एक मार्मिक चित्रण नागर जी उपन्यास में करते हैं। बालक अकेला है और अंततः उसको विवश कर दिया जाता है गांव छोड़ने के लिए। वह गांव छोड़ के भी चला जाता है और सूखा खेत पहुंचकर हनुमान जी के मंदिर में पूजा अर्चना करने लगता है। सूखा खेत, कई विद्वान सूखा खेत को जन्म स्थान मानते हैं तुलसीदास का, जो प्रमाणिक नहीं है। प्रमाणिक जन्म स्थान उनका राजापुर है। तुलसीदास जी सूखा खेत पहुंचते हैं और हनुमान जी के मंदिर में पूजा अर्चना करते हैं, वो अपना जीवन व्यतीत करते हैं। कुछ समय व्यतीत होता है और इनके गुरु नंददास भी दिवंगत जाते हैं, इससे सनातन के सानिध्य इनको प्राप्त होता है और ये दीनबंधु पाठक की पुत्री रत्नावली, दीनबंधु पाठक की पुत्री रत्नावली से इनका विवाह होता है। विवाह होने के उपरांत तुलसीदास अपना पूरा समय, पूरा जीवन राम को समर्पित कर देते हैं।
और राम की पूजा अर्चना ध्यान में ही वो अपने हर दिन हर क्षण को व्यतीत करते हैं। यहाँ तक तुलसीदास जब राम जी की मानस की रचना कर रहे होते हैं और तमाम विरोधियों द्वारा उन्हें परेशान करने का प्रयास किया जाता है, तब भी वह अड़िग रहते हैं और राम पे उनका जो श्रद्धा है, जो राम पे उनका विश्वास है, वह दृढ़ बना रहता है। तमाम कठिनाइयों को सहन करते करते तुलसीदास अंततः जीवन में प्लेग रोग से ग्रसित होते हैं और उस प्लेग रोग से ग्रसित होने के साथ ही वह अपने प्राणों का त्याग कर देते हैं, राम के चरण को प्राप्त कर लेते हैं। इस प्रकार एक साधारण मानव जिसका जीवन कठिनाइयों से प्रारंभ होता है और कठिनाइयों को झेलते हुए ही समाप्त होता है, ऐसे संघर्ष में जीवन का चित्रण नागर जी मानस कथन उपन्यास में करते हुए दिखाई देते हैं। अब तुलसीदास का संपूर्ण जीवन हम जान लिए कि कठिनाइयों से उनका जीवन प्रारंभ हुआ, एक अशुभ नक्षत्र में जन्म होता है और पिता उन्हें पिता द्वारा वो त्याग कर दिए जाते हैं, फिर कैसे वह जीवन की कठिनाइयों को झेलते हुए आगे बढ़ते हैं, कैसे राम का सानिध्य उन्हें प्राप्त होता है और फिर किस प्रकार अंत में भी वह एक महामारी एक भयंकर रोग से ग्रसित होकर के अपने प्राणों का त्याग करते हैं। तो ऐसे तुलसीदास के संपूर्ण जीवन गाथा समाहित होने के नाते यह एक जीवनी परक उपन्यास कहा जा सकता है, क्योंकि यह उपन्यास तुलसी के संपूर्ण जीवन वृत्त को उजागर कर रहा है। तुलसी का संपूर्ण जीवन हमारे सम्मुख उपस्थित कर रहा है और इस कारण यह जीवनी परक उपन्यास कहा जा सकता है। अब तुलसी का लोक धर्म जन्मादि चेतना यह तुलसी के जीवन में ही समाहित है। तुलसीदास एक लोक कल्याणकारी भावना से समन्वित व्यक्ति थे, साहित्यकार थे। तुलसी में जो आराध्य थे श्री राम से वह प्रभावित थे और वह एक जगह लिखते भी हैं, कहते भी हैं मानस कथन उपन्यास में कि देवी व्यर्थ की निंदा से बचने के लिए ही श्री राम ने जगदम्बा का पद त्याग कर दिया था। और लोक धर्म बहुत बड़ा होता है और व्यर्थ की निंदा से बचने के लिए ही श्री राम जी ने जगदम्बा का परित्याग कर दिया था। उनके इस कथन के माध्यम से स्पष्ट हो जा रहा है कि तुलसीदास कितने बड़े लोक धर्मी थे और लोक धर्मी होने के साथ साथ जनवादी चेतना भी उनके अंदर कूट कूट कर भरी हुई थी। उनका रचना ही लोक कल्याण की भावना से समन्वित है। उनका एक प्रसंग आता है तुलसीदास का कि एक ब्रह्म हत्यारा चमार उनके द्वार पर जाता है, उनकी कुटिया के पास पहुंचता है और वह अत्यंत ही भूखा रहता है। तुलसीदास उसको देखते हैं, उन्हें दया आती है, वो ससम्मान से बुलाते हैं, उसके हाथ पैर धुलवाते हैं, भोजन कराते हैं। इसके अतिरिक्त भी उनकी जनवादी चेतना, उनका लोक धर्म, उनका समाज सेवा देखा जा सकता है। अंत में जब काशी में प्लेग की बीमारी फैलती है और कैसे वह लोगों की सेवा करते हैं और लोगों की सेवा करते ही उस रोग से वह भी ग्रसित हो जाते हैं और उसी रोग से ग्रसित हुए उन्हें अपने प्राणों का त्याग करना पड़ता है। तो ऐसे कई सारे प्रसंग है जिसके माध्यम से तुलसीदास जी के लोक धर्म एवं जनवादी चेतना स्पष्ट उजागर होते हैं, स्पष्ट देखे जा सकते हैं। मानस का हंस ऐतिहासिक उपन्यास तुलसीदास के जीवन से संबंधित होने के कारण, संपूर्ण जीवन वृत्त को आलोकित करने के कारण, संपूर्ण जीवन चरित्र को हमारे सम्मुख उजागर करने के कारण यह एक जीवनी परक उपन्यास है। अब किस आधार पर हम इसे ऐतिहासिक उपन्यास में मान लें इसको जानेंगे। तुलसीदास का जो स्थान है, तुलसीदास के जो तमाम संबंधियों के नाम हैं, तुलसीदास से संबंधित अनेक ऐसे प्रसंग हैं जिसके आधार पे जो इतिहास से संबंधित हैं और इतिहास से संबंधित होने के कारण यह ऐतिहासिक उपन्यास कहा जा सकता है। नागर जी जो उपन्यास लिखना प्रारंभ किए थे उनका ध्यान इस पे न था कि इसे ऐतिहासिक उपन्यास में मानू या ऐतिहासिक उपन्यास की स्टडी में इसे मैं रखूंगा। उनका मूल उद्देश्य यही था कि तुलसीदास के जीवन को चित्रित करना है और लोगों के सम्मुख उन सारे प्रसंगों को लाना है जिससे सामान्य लोग अनभिज्ञ हैं। लेकिन जब वो उपन्यास लिखते हैं तो इसको ध्यान रखते हैं कि कहीं ना कहीं ये प्रश्न पूछ सकता है कि ये उपन्यास ऐतिहासिक है तो किस प्रकार से है। तो उन्होंने तुलसीदास की रचना कवितावली और विनय पत्रिका इन दोनों रचनाओं का अध्ययन किए
चिंतन किए कि यदि इस पे ऐतिहासिकता का आरोप लगता है तो मैं इसे प्रमाणित कर पाऊं कि यह ऐतिहासिक उपन्यास भी है। अब तुलसीदास के जन्म स्थान के संबंध में जिसको राजापुर माना गया, तुलसीदास के पिता के नाम, माँ का नाम, तुलसीदास की पत्नी का नाम और तुलसीदास से संबंधित जो तमाम स्थान है, काशी, सुकरखेत, उसके अतिरिक्त चित्रकूट, अयोध्या इत्यादि नाम, इसके अतिरिक्त जो नाम आता है अकबर, टोडरमल, रहीम इत्यादि ऐतिहासिक नाम, इसके आधार पर हम इसको ऐतिहासिक उपन्यास भी मान लेते हैं। इसमें इतिहास का भी चित्रण है और इतिहास का चित्रण तुलसीदास के जन्म स्थान के संबंध में, तुलसीदास के माता पिता पत्नी इत्यादि के नाम के संबंध में और तुलसीदास का जो संबंध रहा काशी से, सुकरखेत से, चित्रकूट से, अयोध्या से इत्यादि से, इसके अतिरिक्त अकबर, टोडरमल, रहीम इत्यादि से भी उपन्यास में तुलसीदास का संबंध दिखाया गया है और इन सारे आधार पर हम मानस के हंस उपन्यास को एक ऐतिहासिक उपन्यास भी कह सकते हैं और ऐतिहासिक उपन्यास होने के साथ साथ इसको एक प्रमाणित उपन्यास भी हम कह सकते हैं क्योंकि इसका प्रमाण उपलब्ध है और इस प्रमाण के आधार पर ऐतिहासिक उपन्यास कहने में कोई संशय नहीं है। अब हम मानस के हंस में कल्पना कहाँ तक है और मानस के हंस में इतिहास कहाँ तक है इस पे विचार करेंगे कि मानस का हंस एक जीवनी पर उपन्यास हम जानिए, मानस का हंस एक ऐतिहासिक उपन्यास है भी जानिए। अब उस ऐतिहासिक उपन्यास में कल्पना का भी समन्वय है, वह कल्पना किस प्रकार है और कहाँ कहाँ है, किस प्रकार संबंधित किए हैं नारद जी, इसको हम जानेंगे। तो कल्पना इतिहास, मानस का हंस में कल्पना इतिहास, अब इसमें हम जानेंगे। नागर जी जब उपन्यास का सृजन करते हैं तो इतिहास में कल्पना का समन्वय करते हैं लेकिन वह कल्पना कहीं भी थोपी हुई नहीं लगती है, वह एक मनोरंजक और आनंददायक वातावरण का सृजन करती है। ऐसा नहीं लगता कि कल्पना कहीं अलग से जोड़ दिया गया है या उपन्यास से या इतिहास से वो अलग दिखाई दे। अब कल्पना कहाँ पे है तो तुलसीदास का जो मोहिनी से प्रेम प्रसंग दिखाया गया है यह कल्पना है। नागर जी कल्पना को समझित करने के पीछे नागर जी का यह उद्देश्य ही था कि उपन्यास को और रोचक बना दिया जाए और इसी लिए उन्होंने कल्पना का उसमें सहयोग लिया, कल्पना का समन्वय उपन्यास में किया। तो तुलसी का जो मोहिनी के साथ प्रेम प्रसंग हम लोग पढ़े थे यह कल्पना है। इसके अतिरिक्त गंगाराम, गंगाराम रत्नावली के भाई थे, रत्नावली जो तुलसीदास की पत्नी है, गंगाराम का तुलसी से विद्रोह एक कल्पना है, कल्पना की स्टडी में इसको हम डाल सकते हैं। इसके अतिरिक्त तुलसीदास के ससुर के नाम, इसको कल्पना की स्टडी में डाल सकते हैं और तुलसीदास का वो एक गणिका के द्वारा चरित्रिक आरोप लगाने की कथा, इसको भी हम कल्पना के अंतर्गत रख सकते हैं। इस प्रकार इत्यादि प्रसंगों के आधार पे मानस के हंस में कल्पना का भी प्रभाव, कल्पना का भी रूप दिखाई देता है। इतिहास में हम लोग अभी ऐतिहासिक उपन्यास से पढ़े हैं कि तुलसीदास के जन्म स्थान का संबंध इतिहास से रहा, तुलसीदास के जो तमाम संबंधित है, माता पिता पत्नी इत्यादि के नाम भी इतिहास से संबंधित है, उनका प्रमाण उपलब्ध है। इसके अतिरिक्त काशी, अयोध्या, चित्रकूट, सुकरखेत, राजापुर इत्यादि का संबंध जो तुलसीदास से रहा ये भी इसका भी साक्ष्य उपलब्ध है और अकबर, रहीम, टोडरमल इत्यादि का भी संबंध इतिहास से रहा है और इस आधार पे इतिहास और कल्पना का समन्वय मानस के हंस उपन्यास में देखने को मिलता है। इस प्रकार मानस का हंस उपन्यास तुलसीदास जी का एक जीवनी परक एवं ऐतिहासिक उपन्यास है, इसमें कोई संशय नहीं है और दोनों के ही साक्ष्य दिखाई देते हैं। तुलसीदास के जीवन से संबंधित होने के कारण यह जीवनी परक उपन्यास हो गया, संपूर्ण जीवन समाहित है इस उपन्यास में।
और तुलसीदास के इतिहास से संबंधित अनेक प्रसंग, अनेक पात्र, अनेक नाम, अनेक स्थान से संबंधित होने के कारण यह एक ऐतिहासिक उपन्यास भी है। इसके अतिरिक्त कुछ प्रसंग ऐसे हैं जैसे मोहिनी से प्रेम प्रसंग, गंगाराम का तुलसी से विद्रोह, गणिका द्वारा तुलसीदास पर चरित्री का आरोप इत्यादि कुछ प्रसंग ऐसे हैं जो कल्पना से संबंधित हैं और इस आधार पे मानस कहानी उपन्यास एक जीवनीपरक एवं ऐतिहासिक उपन्यास दोनों है इसको कहा जा सकता है। इस प्रकार मानस कहानी एक जीवनीपरक एवं ऐतिहासिक उपन्यास है। इस प्रसंग के साथ आज की कक्षा यही समाप्त होती है। अगली कक्षा में उसने कहा था कहानी के साथ पुनः उपस्थित होंगे। धन्यवाद।